वालेकुम, कैसे हम सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। अच्छा भाई, रात को घर में दावत थी तो सबसे पहले जाके वो वाले सीन देख कर आएंगे, मैंने क्या पकाया था, कैसे पकाया था, क्या क्या किया था, उसके बाद आपको बाकी के अपडेट देती हूँ। अच्छा भाई, खाने का मेन्यू था चिकन कढ़ाई और साथ में बिरयानी। कढ़ाई नहीं थी, कोरमा बनाया था मैंने। हाँ, तो चावल भिगो दिए थे मैंने, चिकन लाया था वकास ने, वो मैंने धो दिया था, सामान निकाला हुआ था और एक में मैंने ऑलरेडी मसाला बनने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैं सैलेड बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पानी रखा है बिरयानी के लिए, तो वकास बोल रहे हैं तुम चीनी डाल रही हो। मैंने कहा नहीं, नमक डाल रही हूँ। इसके अलावा जो जो चीज़ें डालती हैं बिरयानी में, पुदीना, छोटी सी इलायची भी लोग डालते हैं, फूल डालते हैं, जायफल, जावेत्री आई थिंक बोलते हैं इसको, मुझे नाम सही से नहीं पता भाई, अम्मी डालती थी तो मैंने डाल दी है, ठीक है। लीमू निचोड़ दिया है मैंने इसके ऊपर। और यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो फ्राई हो गया है, उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो मसाला ना मैंने खट्टा बनाया है बिरयानी का भी और कोरमे का भी, ठीक है। मैंने एक ही दफ़ा जो है वो 4-5 प्याज, 5 टमाटर, हरी मिर्चें सबको डाल दिया था, जो जो भुनना होता है, ठीक है। हल्का सा जीरा भी डाल दिया था। अब यहाँ पे मसाले को मैंने ग्राइंड कर दिया है। उसके बाद जो है मैंने प्याज फ्राई किए हैं, जो बिरयानी में तड़का लगाते हैं ना ऊपर से, उसके लिए। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इसको अखबार पर डाल के, वो किसी ने मुझे कहा था फ्रीज़र में रख देना, तो इस दफ़ा मैंने वैसे ही किया था और काफ़ी क्रिस्पी बनी थी। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज है ना वो फ्राई हो गई, आपको नज़र भी आ रही होंगी। और इसके बाद यहाँ पर हमारा चिकन चिकन धुल गया है। अब मैं चिकन की बोटियों को फ्राई करूँगी, कोरमे के लिए भी फ्राई करूँगी और बिरयानी के लिए भी करूँगी फ्राई। और जब आप बनाना तब आप भी ऐसे बनाना, चिकन को पहले फ्राई कर लेना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चावल उबल रहे हैं हमारे, एक तरफ आप देख लें और दूसरी तरफ जो है हमारे चिकन फ्राई हो रहा है। जो चिकन जो है वो फ्राई हो जाता है उसका मैं ऑयल जो है वो अच्छे से स्ट्रेन करके उसको डाल देती हूँ साथ छलनी में। अब यहाँ पे मैं सैलेड बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने खीरे काटे हैं, उसके बाद प्याज काट कर नमक लगा कर रखा है उसको मैंने। अब यहाँ पर जो है वो मसाले डालने की बारी आ गई है। मसाले मैंने कुछ भी नहीं डाले थे, नमक मिर्चें जो है वो आप अपने हिसाब से डाल लें, ठीक है। सबसे पहले मैं हल्दी डाल रही हूँ और आपके सामने है, मैं चिल्तन प्योर के मसाले यूज़ करती हूँ खाने में, क्योंकि इनसे जायका बहुत अच्छा आता है और जो ग्रेवी होती है ना उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। और सही ऑर्गेनिक इनके मसाले हैं, मुझे इनके मसाले जो है ना, पहले मैं नेशनल के यूज़ करती थी, अब मुझे नेशनल से भी ज़्यादा ना इनके अच्छे लगते हैं। आप लोग भी यूज़ करोगे, आप लोगों को भी पसंद आएंगे। और इन पर मेरा कोड भी है 10 नताशा, आप लोग बाय कर लेना, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना जैसे मैंने मसाले डाले हैं ना इसके अंदर, आप इसके बाद कलर देखना ग्रेवी का कलर कैसा आएगा। इनकी वजह से ना हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज़ करना नहीं पड़ता, लाइक बिरयानी मसाला या कोरमा मसाला। आप देखें कितना प्यारा कलर आया कढ़ाई का। अच्छा, हमारा कोरमा है यहाँ पे रेडी होने वाला है। बस सारा कुछ तो हो गया है, चिकन भुन गया है, सब कुछ हो गया। अब दो देगचियों में, एक देगचियों में बिरयानी का सामान पक रहा था और एक में बन रहा था चिकन कढ़ाई का, ठीक है, सॉरी कोरमे का, मिक्स हो रहा है मेरा। अच्छा, अगेन जो है मैंने हल्दी डाली है, थोड़ा सा प्याज का पाउडर, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर और नमक, मिर्चें, सूखा धनिया जो होता है ग्रीन वाला, पता नहीं आप लोग उसको क्या बोलते हो पंजाबी में, मोटा धनिया भी बोलते हैं, वो सब कुछ डाल के जो है मैंने इसको मसाले को रेडी कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैंने लीमू शीमू काटे हैं जो ऊपर तेल लगाते हैं ना बिरयानी के, उसके लिए। और चावल मैंने छान लिए थे, अब फ्रिज में सैलेड बना के रख दिया है, मैं वो दिखाने के लिए आई हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद अब थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बर्तन तो मैंने हाथ के हाथ धो दिए थे, तब तक मैंने कहा दम लगता है मैं ये बर्तन धो लेती हूँ ना। आप लोग ग्रीन टी देख लें, जिससे वेट कम किया। लोग पूछ रहे थे आप ही वज़न काफ़ी कम हुआ है, वज़न काफ़ी कम हुआ है, क्या किया था। तो एक तो आप सबको पता है सर्जरी हुई थी, और सर्जरी के बाद जो है ना मेरी ऑयली चीज़ें सब बंद हो गई थी, ठीक है। कि आपने जो है वो इतने दिन तक ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मसाला, स्पाइसी फूड्स नहीं खाने, तो वो भी रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था ग्रीन टी मैंने बहुत ज़्यादा ली थी, बहुत ज़्यादा, सुबह भी और रात को भी। तो कौन सी ली थी मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने 3-4 किस्म की ग्रीन टीज़ ली थी और किसी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, किसी का कुछ था। और यकीन करें ऑपरेशन के बाद ना बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे पहले अच्छी लगती थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे गोलगप्पे नहीं अच्छा लगते, मुझे आइसक्रीम नहीं अच्छी लग रही। तो ये सब ग्रीन टी है मेरे पास, ठीक है। इसमें अजवाइन भी आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है मैं अजवाइन का कहवा पीती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो ग्रीन टी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, वो ये लिप्टन की है। मैं आप सारी उठा के नीचे रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ऊँचा है कैबिनेट। इन ग्रीन टी में सबसे पहले बात करती हूँ टपाल की ग्रीन टी। टपाल की ग्रीन टी आप सबको पता है कितनी एक्सपेंसिव आती है, ठीक है। इसमें 30 साश आते हैं, मैंने सिर्फ 10 यूज़ किया, वो भी बहुत ही मजबूरी में, जब कोई और अवेलेबल नहीं थी तब मैंने नई वाली पी है। बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं है इसका और मज़ा भी नहीं आता इसको पीने का। उसके बाद जो मुझे अच्छी लगती है ना, ये अच्छी नहीं लगती मुझे टपाल वाली। आज जो ग्रीन टी मुझे अच्छी लगती है वो ये एलोवेरा फॉरएवर की ग्रीन टी है। आप सबको बताया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इस तरीके की पैकिंग होती है, इसके अंदर जो है ना सारे इंग्रीडियंट्स होते हैं और जो कि आपको वेट लॉस के लिए चाहिए होते हैं, या डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी खुराक को, और आपको जो है वो फिट बर्न करने के लिए चाहिए, वो सब चीज़ें होती हैं।
मुझे ग्रीन टी अच्छी लगती है, वो ग्रीन टी है, ये चितन प्योर वालों की लेमन ग्रास, और इनकी और भी बहुत सी टी है, तुलसी टी है, ये इनकी हिबिस्कस टी है, लेकिन मुझे जो अच्छी लगती है ना उनकी, वो ये दो अच्छी लगती है। एक है ग्रीन, इनकी ग्रीन टी भी है लेकिन वो मेरी खत्म हो गई है, वो आपको दिखा देती, वो भी मेरे पास पड़ी नहीं हुई। इनकी जो ये टी है ना, दो व्हाइट क्लोवर टी और दूसरी ये इनकी लेमन ग्रास टी, ये दोनों बहुत अच्छी है, बहुत तेजी से आपका वेट बर्न करती है, आपका जो डबल चिन आ रहा है, आपको फेट आ रहा है, आपका जो पेट बाहर निकल रहा है, कुछ भी है। और ये जो इनकी टी है ना, ये डिटॉक्स है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, आपकी बॉडी के अंदर से हार्मफुल जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, इनको डिटॉक्स कर देती है इसको पियो आप। और इनको पीने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है। वैसे तो हम ग्रीन टी, मतलब मैं बताऊँ ना, मैं ग्रीन टी वैसे कैसे लेती थी, मैं लेती थी नाश्ते के कुछ घंटे बाद, लाइक अगर मैंने 8 बजे नाश्ता किया है, 9 बजे, तो मैं 11-12 बजे ग्रीन टी लूंगी और एक लूंगी रात को सोते वक्त। लेकिन ये वाली जो ग्रीन टी है, ये आप ऐसे ले सकते हैं कि आप खाने से 2 घंटे पहले ले सकते हैं और खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं। दिन में आप इनको 3 दफा भी ले सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं बल्कि इनका फायदा है। ठीक है, मैं चूल्हा ऑन कर लिया, इसमें 2 कप पानी डालना है। भाई तो ये गया हमारा 1 कप पानी और ये गया जी हमारा 2 कप पानी। ठीक है, और आपको पता है मैं ग्रीन टी में जो है वो चीनी यूज़ नहीं करती हूँ। ये 1 चम्मच लेमन ग्रास टी ली है और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, हम पक पक के जो है वो 1 गिलास रह जाएगी, तो हम इसको छान के पी लेंगे। अच्छा, अब ये वाली जो टी है ना, ये है जिनकी व्हाइट क्लोवर टी, इस पर लिखा भी है रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, और आपको इसकी शक्ल देखकर समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज़ से बनी हुई है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अभी ऐड कर सकते हो इसके अंदर ऐसे 1/2 चम्मच। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होगी और आपका फेट भी बर्न होगा। अब ये वाली जो है वो व्हाइट क्लोवर टी है, ये कुछ इस तरीके की है, ये लेमन ग्रास है जो भी बन रही है, ये पिशावरी कावा है, ये भी सेम ऐसे ही बनता है, लेकिन जब इसको आप पीते हो ना, साथ में गुड़ की छोटी छोटी सी आपने डलियाँ रखनी होती हैं, और आप 1 सिप लोगे कावे का और 1 बाइट लोगे गुड़ का, और ये बड़े मज़े का बनता है। उसके बाद ये वाली टी जो है वो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं की है, ये जो है इस पर लिखा भी हुआ है प्रोमोट वेट लॉस। अगर आप लोगों से किसी ने टेस्ट की है ऑलरेडी तो मुझे बताना कि ये कैसी होती है, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं की है ये। उसके बाद ये तुलसी टी है, ये भी मैंने टेस्ट नहीं की, ये लिखा हुआ एंटी एग्जाइटी, मतलब किसी को टेंशन हो रही है डिप्रेशन में तो उन लोगों के लिए है ये। ये दोनों मैंने टेस्ट नहीं की है, मैंने ये पिशावरी कहवा पिया हुआ है इनका, लेमन ग्रास पिया हुआ है इनका, और ये जो इनकी है क्लोवर टी मैंने ये पी हुई है, और इनकी एक ग्रीन टी आती है सिंपल ग्रीन टी, उसमें इस तरह की पत्तियाँ होती हैं ग्रीन टी की, वो मैंने पी हुई है, वो बहुत अच्छी है। जो हमारा कहवा रेडी हो गया है, मैंने आपको सारी खोल के दिखा दी है। नताशा मेरा डिस्काउंट कोड है, आप जब वो डालोगे तो आपको इस पर और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बाय करके इसको यूज़ करना, और 1 मंथ यूज़ करने के बाद मेरे साथ अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर करना, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा भाई, तो ग्रीन टी से पहले ज़रा खाना खा के आते हैं। तो ये है जी खाने का फाइनल लुक, ये है जी हमारा कोरमा, ये हमारा सैलड है, और ये हमारी बिरयानी है जी साइड पे, और ये है जी पुदीने की और हरी मिर्ची की और जीरे की चटनी। ठीक है, कोरमा इतना अच्छा बना था कि बिरयानी को किसी ने पूछा ही नहीं, कोरमा बहुत लजीज बना था, बहुत ज़्यादा। चलें ग्रीन टी पीते हैं। काफी वेट लॉस कैसे किया मैंने सबको बता रही थी कि भाई सर्जरी और ग्रीन टी। फिर लोग पूछ रहे हैं ग्रीन टी कौन सी, मैंने कहा चले आपने सारी दिखा देती हूँ, ये वाली भी ली थी, तो ये अच्छी नहीं लगी है, ऐसी अच्छी लगी है, इसका क्या रीजन है, तो सब मैंने आपको बता दिया है। अब इनमें से जो सा भी आप बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं, जो मैं अभी पी रही हूँ ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, और ये प्राइस में भी कम है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं इसके, ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इस पर कोड भी है 10 नताशा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, ये आज का ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजे का लगा होगा, ऐसा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।